बहुत अच्छी बात आपने पूछा। दलित पिछड़ा विकास महासंघ हम लोग जो एक काम कर रहे हैं उस बैनर के नीचे की लड़ाई लड़ें और अपने संविधान के तहत उनको जो भी मौका मिले संविधान के तहत अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और मदद करते रहते हैं। बराबर हम लोग आपने देखा होगा कैंप लगाते हैं, कैंप में निःशुल्क दवा भी बांटी जाती है। हमारी बहू है पूजा सिंह यादव जो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर तेज बहादुर यादव जी, इनके अस्पताल पे मैं हूँ। आपको बता दूँ पिछड़ा दलित महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बहुत बहुत बधाई है सर आपको, और लगातार आपको मैं फेसबुक के माध्यम से तमाम जो आपके चाहने वाले प्रशंसक थे पोस्ट करते थे, मैं आपका यूट्यूब और फेसबुक पर आपका तस्वीर देखता था, तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं बधाई दूं और कुछ आपसे भी वार्तालाप क्यों करूं, क्योंकि आप ज़्यादातर पिछड़े दलित लोगों की बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। ये बताइए सर, जिस तरीके से आप काम करते हैं पिछड़ा दलित के बातों को लेकर, आप हमेशा उनको मदद करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पिछड़ा दलित लोगों को दबाया जा रहा है? बहुत अच्छी बात आपने पूछा। दलित पिछड़ा विकास महासंघ हम लोग जो एक काम कर रहे हैं उस बैनर के नीचे, ये गरीबों मजलूम और असहाय लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा एक संगठन है। इस संगठन के माध्यम से हम लोग जितने भी लोग पिछड़े हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उनकी बात करते हैं, उनको आगे लाने का काम करते हैं, उनके बारे में जो भी सहायता होती है हम लोग करते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि सभी लोग जितने भी दबे कुचले पिछड़े हैं सब जो है अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें और अपने संविधान के तहत उनको जो भी मौका मिले संविधान के तहत अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और संविधान के तहत अपने कार्य को करें। क्योंकि जिस पद पे आप हैं, एक डॉक्टर हैं, आपकी बहू भी डॉक्टर है, आपके बेटा भी डॉक्टर है, तो राजनीति में कैसे मैनेज कर लेते हैं? ऐसा हम लोगों का कोई राजनीति नहीं है, राजनीति से हमसे मतलब बहुत नहीं है। हमारा काम है, एक संगठन है हमारा, उस संगठन के माध्यम से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। मेरा एक संगठन है, एक संगठन का मकसद केवल यह है कि गरीबों को, मजलूमों को, असहाय लोगों को आगे बढ़ाने का, उनको न्याय दिलाने का काम हम लोग अपने संगठन के माध्यम से करते हैं। राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो भी पार्टी, जो भी संगठन, जो भी है, जो पार्टी हमारे हित की बात करेगी, गरीब पिछड़े दलितों की बात करेगी जो पार्टी, हम उसका सहयोग करेंगे, चाहे जो दल हो, दल से हमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कोई मामला आया हो जो आपके अस्पताल में आया हो, बेहद गरीब हो, आप उसको देखे होंगे, फिर उपचार करके आपको आप छोड़ दिए? आए दिन हम लोग काम करते रहते हैं इसके बारे में। बहुत से असहाय लोग आते हैं जिनको पैसा नहीं रहता है और परेशान रहते हैं, हम उनकी बराबर मदद करते रहते हैं। बराबर हम लोग आपने देखा होगा कैंप लगाते हैं, कैंप में निःशुल्क दवा भी बांटी जाती है। हमारी बहू है पूजा सिंह यादव जो महिला डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो बराबर महिलाओं की चिकित्सा और देखभाल करती रहती हैं। बेटे हैं मनोज कुमार यादव, MD पीडियाट्रिक हैं, बच्चों की देखभाल करते रहते हैं। तो हमारा एक छोटा बेटा है ब्रजेश कुमार यादव, वो भी कार्य करता रहता है। तो हम लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, पूरा परिवार मेडिकल लाइन में ही है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हित हो सके, जितना लोगों का कल्याण हो सके, गरीबों को उठाने का कार्य हम लोग करते रह के अपने माध्यम से, और हम लोग बराबर सहयोग की भावना रखते हैं और सहयोग करते रहते हैं। अक्सर मैं डॉक्टर साहब देखता हूँ समाज सेवकी करते करते लोग राजनीति में आ जाते हैं, कहीं राजनीति तो में कदम नहीं रखना है? ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीति देखिए तब होता है जब लोग राजनीति में गंदगी हो जाती है, तो राजनीति को स्वच्छ करने के लिए कुछ लोग आगे आ जाते हैं। और राजनीति में आप देख ही रहे हैं, राजनीति में बहुत कुछ लोचा चल रहा है, राजनीति को लोग राजनीति के माध्यम से गलत कार्य भी लोग कर लेते हैं, करते रहते हैं, जैसा कि हम लोग उसका बराबर विरोध करते रहते हैं। ऐसा कुछ अभी भावना नहीं है, न हमारी सोच है। सरकार की जो भी योजनाएं रहती हैं लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी हम लोग करते रहते हैं, और जो भी गरीब पिछड़े की बात करेगी, जो सरकार बात करेगी, किसी सरकार की हम लोग माध्यम से नहीं है, जो भी सरकार गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, असहाय लोगों की मदद करेगी उसका हम लोग सहयोग करेंगे, चाहे जो दल हो। अभी नज़दीक में है 26 जनवरी, चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने पूरे क्षेत्र के नगरवासी को 26 जनवरी के पर्व पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और सभी लोग गरीबों की मदद करें, असहाय की मदद करें और लोगों के हित के बारे में सोचें, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू। मेरे साथ यह मौजूद थे डॉक्टर तेज बहादुर यादव जी, इनसे बातचीत हुई, फिर इनसे आगे बातचीत होगी। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। इनका एक ही मकसद है, किसी से पार्टी से इनका कुछ लेना देना नहीं है। जो पार्टी पिछड़े दलितों की आवाज़ बनेगी, उसी पार्टी के साथ मैं भी खड़ा रहूँगा। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद अपनी राय जरूर दें। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर, मछली शहर। जय हिंद।